जय श्री राधे। तो आज है 6 फरवरी 2024 और श्री जी की कृपा से हम जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। तो जितनी बार भी लोग मुझे ट्रैवलिंग करते हुए देखते हैं तो मुझसे हमेशा एक चीज़ पूछते हैं कि हम ट्रैवलिंग में लड्डू गोपाल की भोग की क्या सुविधा करें और क्या ऐसी चीज़ हम अपने पास कैरी करें जिससे हम शुद्धता का भी ध्यान रख सकें और ठाकुर जी की सेवा भी कर सकें। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए कि मैं तीसरी या चौथी बार जा रही हूँ। मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी मम्मी के पास, मेरे छोटे भाई लड्डू गोपाल है वो भी मेरे साथ श्री वृंदावन धाम गए थे और नंद बाबू तो जाके आए हैं, तो इस बार हमारे साथ कुंज बाबू जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करें। तो पहले हम शुद्धता के टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि हम देखिए मैं तो एसी क्लास में जाती हूँ तो भी वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन नहीं होते हैं, तो अगर कोई स्लीपर में जा रहा तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो सकती है वहाँ की। तो इसीलिए हमेशा आप इस तरीके का एक स्प्रे का बॉटल रखें और ऐसी बॉटल के अंदर आप यमुना जल, राधा कुंड का जल, गंगा जल, कोई भी पवित्र नदी का जो जल है जो शुद्ध हो वो आप इसके अंदर रखें। सबके पास गंगा जल तो आज के टाइम में होता ही होता है, तो गंगा जल आप अपने साथ रखें। इस तरीके के स्प्रे की बॉटल में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। और उसके अलावा जो आपको एक चीज़, जो दो चीज़ें कैरी करनी है अपने साथ, वो है हैंड वॉश। ऑफकोर्स सब लोग करते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे नहीं भी करते हैं, और ये है हैंड सैनिटाइज़र। जब भी आप वॉशरूम से निकले सबसे पहले आप अपना फेस को वॉश करेंगे, पानी से धोएंगे, कुल्ला करेंगे, जैसे मुँह में पानी लेके कुल्ला करते हैं, हाथ धोएंगे और थोड़ा सा पानी आप अपने पैरों में छिड़क दीजिएगा। एक होगा ये बाहरी से साफ सफाई हो गई, हैंड सैनिटाइज़र रहेगा आप उससे कर लीजिए। फिर जब आप अपने सीट पे आएंगे तो आप यूज़ करेंगे जो मैंने गंगा जल का पानी आपको बोला है, वो गंगा जल का पानी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरीके से ले, जैसे हम परफ्यूम कैसे लगाते हैं थोड़ा हाथ पे, इस तरीके से ले दोनों और अपने ऊपर ऐसे थोड़ा सा डाल के और इस तरीके से प्रॉपर आप अपने ऊपर लगा दें, शुद्ध करें। जितनी बार भी आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतनी बार आप अपने आप को शुद्ध करके कर सकते हैं। अब पॉटी करने जा रहे हैं, सूसू करने जा रहे हैं, तो अब ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा सुविधा तो स्नान की होती नहीं है, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जितनी बार आप सेवा करेंगे उतनी बार इस तरीके से आपको करना है। अगर आप दो दिन के ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना आप ठाकुर जी को बिल्कुल भी ना खिलाएं, और कैटरिंग का तो बिल्कुल भी नहीं जो ट्रेन का होता है, क्योंकि सबको पता है ट्रेन का खाना कैसा होता है, कोई गारंटी नहीं है कि अंदर क्या परिस्थिति है किचन की, और किचन के वीडियोस तो हम आजकल देखते ही हैं कितने गंदे गंदे आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं वृंदावन धाम जाती हूँ कभी भी तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें अपने साथ लेके जाती हूँ कि कभी भी सफ़र में उनको भूख लगा सकूँ, या अगर हम धाम में भी हैं तो भी खाने की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए मैं आपको कुछ अपना बता देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो देखिए पहले तो मैं बता देती हूँ, एक हम ये देखो पोहा ले लिया है हमने। ये पोहा मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर हम कभी धाम में रहें, लेट वेट हो गया कुछ, तो हम मतलब दूध के साथ हो गया, दही के साथ हो गया, हम उनको भोग लगा सके। भिगो के रख देंगे 5 मिनट, इजी हो जाएगा भोग लगाने में, पोहा तो सबके घर में होता है। एक ये चीनी का डब्बा हमने लिया हुआ है, क्योंकि अगर दूध हो गया या पोहे के साथ अगर उनको खिलाना हुआ दही के साथ तो हम ये खिला सकते हैं। ये तुलसी लेना बिल्कुल भी ना भूले, तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, तुलसी कभी बासी नहीं होती, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब एक और चीज़ जो मैंने ली है जो मेरे को मिल गया है वो ये है, ये देखिए ये है खास्ता, ये आया था लाला के लिए बाहर से, तो हमने ये ले लिया है। इसमें हमने खाली है डब्बा, ओ माय गॉड दिस डब्बा इज़ खाली, ओ दिस डब्बा इज़ खाली, लेकिन खाली नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें रखें। ये एकादशी है आज, तो ऑफकोर्स फलहार बनाना ही पड़ेगा और फलहार लेके भी जाना पड़ेगा। तो हमने ये सिंघाड़ा नहीं, राजगीर के आटे का हलवा बनाया है, तो ऑफकोर्स जो खाली डब्बा है उसके अंदर वो जाएगा, या तो सब्जी जाएगी, हमने सब्जी बनाई वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी। ये हमने लिया है म्यूसली, जैसे ओट्स होता है उस तरीके का होता है, दूध गर्म करो, थोड़ा सा चीनी डालो, चीनी नहीं भी डालना है तो भी म्यूसली को गर्म करो, दूध के अंदर डालो और लालों को भूख लगा दो। ये बहुत ईजी चीज़ हो जाती है जो मुझे बहुत पसंद है लेके जाने में। और ये है ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स, देखिए ये हो गया अंजीर, ये मिक्स हो गया, ये ड्राई फ्रूट मिक्स हो गए, और ये है खजूर। ये सारी चीज़ें हैं, कभी भी हम उल्टा पुल्टा कोई भी चीज़ करके, मतलब आज मिक्स वाला खिला दिया, फिर खजूर खिला दिया, फिर अंजीर खिला दिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर ये हो गया, ये सबसे फेवरेट चीज़ जो है मेरे लाला की, और अभी और फिर से आई है, ये है गुड़, ये देसी गाँव का गुड़ है, पहले यूपी से खाया था लाला ने,
अब ये आया है बिहार से, तो मेरे लाला बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, उनको गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो गुड़ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से मंगा लेते हैं। ये है एक उनकी बॉटल है ठंडा गर्म वाली, इसके अंदर हम दूध लेके कैरी करते हैं, लेके चलते हैं 12 घंटे। आप ठंडा या गर्म कोई भी चीज़ आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो दूध तो स्पेशली आप अपने घर से लेके चले, जब ख़त्म हो जाता है दूध तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए कि मतलब बाहर से जो पैकेट वाला होता है बिल्कुल मत लीजिएगा। उसके अंदर है ना वो लोग फ्लेवर के लिए कोई ना कोई चीज़ डालते हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। अब हमको पारण करना होगा कल सुबह जब हम वृंदावन धाम पहुंचेंगे 11:30-12 बजे के आसपास। तो हमने बना लिए पराठे, हमारे साथ और भी लोग हैं, तो हमने ये मेथी के पराठे बना लिए हैं क्योंकि कल पारण करना होगा। तो लाला को सुबह दूध पिला देंगे, फिर आराम से 9 बजे जब उनका बाल भोग जब होगा उस टाइम पे हम उनको ये परौंठे खिला देंगे। अब जो कुछ चीज़ मैं और लेके जाती हूँ अपने साथ वो है ये, देखिए ये है बत्तियाँ पूजा के लिए। देखिए आप कहीं भी लाला को लेके जाएं, स्पेशली घर, अगर आप होटल में रुके हैं, जैसे मैं तो ब्रिजवासी माता जी हमारी श्री जी की कृपा से हम उनके घर पे रुक जाते हैं, बहुत अच्छी है वो, लेकिन धूप तो आपको करना है, यानी कि पूजा तो आपको करना ही है, वो ऐसा नहीं कि आपको मिस करना है। और धाम में तो बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने लाला की, हमारे लाला किसी से कम थोड़ी नहीं है। और एक ये हो गया, ये देखिए ये कपूर हो गया, ये धूप की स्टिक हो गई, ये स्टैंड हो गया, ये चीज़ मैं अपने साथ लेके जाती हूँ हमेशा आरती करने के लिए। ये हो गई दिया के लिए और ये हो गई हमारी गरम घंटी। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी अंदर और भोग में हमने ये सारी सुविधा की। पानी की तो टेंशन नहीं, पानी तो इजीली मिल जाता है, दही वगैरह भी अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो दही आप चीनी डाल के पहले आप देख लीजिएगा, ज़्यादा खट्टी दही तो नहीं है। उस हिसाब से 2 दिन की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 3 दिन की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में आप जितना हो सके कोशिश कीजिए कि घर की चीज़ें ही लेके जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है, ड्राई फ्रूट हो गया, अलग अलग तरह की मिठाई हो गई, लड्डू हो गए, कुछ भी है। देखिए हम अपने खाने पीने की सुविधा रखते हैं तो हम ठाकुर जी के खाने पीने की सुविधा नहीं कर सकते। जब हमारे पास छोटा सा बच्चा होता है, अगर 6 महीने का है, 7 महीने का, तो माँ कैसे बोलते दूध रख लेती हूँ, सेरेलेक रख लेती हूँ, ये रख लेती हूँ, वो रख लेती हूँ, बच्चे को ये खिलाऊंगी, भूख लगेगा तो ये खिलाऊँ, तो माँ विचार करती है अपने बच्चे के। तो ठाकुर जी भी तो बाल स्वरूप है ना, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम ठाकुर जी का ख्याल रखें? क्योंकि वो बाल रूप में हमारे पास आए, हमसे सेवा ले रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम कोई भी जिसकी कमी उन्हें महसूस न होने दें और जितना ज़्यादा हो सके उनकी सेवा में ध्यान रखें। थाली प्लेट, जो छोटी वाली प्लेट होती है, ग्लास हो गया, चम्मच हो गया, कटोरी हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके ही चले। वहाँ की कोई भी चीज़ों में आप उनको भोग न लगाएं। अगर बाहर से लेके भी आ रहे हैं तो घर में आए अपने थाली में अच्छे तरीके से हर चीज़ को अलग अलग करके रख के फिर प्रेम पूर्वक आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। ट्रेन में अगर भोग लगाते हैं तो पर्दा कर दीजिएगा, कोई और लालों को भोग करते हुए ना देखें। रिकॉर्डिंग करके देखना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सामने फेस टू फेस देखते हैं तो नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ तरीके की है। चलिए मैं बाकी एक सब्जी बनाई है बहुत बढ़िया सी मैंने, वो भी दिखा देती हूँ और पैक करते हैं सारी चीज़ें। तो ये बनाई है हमने सलोनी, इसको मम्मी बोलते हैं सलोनी, ठंडी में खाया जाता है, और इसको दम आलू ऐसा भी कुछ बोलते हैं, बट मुझे सलोनी नाम ज़्यादा पसंद है, सलोनी तो ये पारण के लिए है क्योंकि दोपहर में फिर कुछ तो जितना हो सके घर से बना के लेके जाना वो सुविधा अच्छी है ना, बाहर के भरोसे बैठे वहाँ नहीं मिला, कोई लेट हो गया या कुछ भी हो गया तो फिर कहाँ रुकेंगे, सीधे धाम पहुँचेंगे, क्योंकि मथुरा स्टेशन है, मथुरा से हमको वृंदावन जाना होता है, ऑटो में बैठे रहते, नहीं मिला कोई चीज़ कभी उस टाइम पे, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा सब्जी पैक, और ये मिठाई, ये हमने गुड़ के साथ बनाया हुआ, इसमें चीनी नहीं डाली है, पहली बार ट्राई किया, होप सो अच्छा ही बनेगा और सबको अच्छा भी लगेगा, स्पेशली मेरे लाला को। बताओ कब से लगी पड़ी हूँ मैं, या तो हम जाते हैं या तो हम आते हैं, तो एक एकादशी तो हमको मिलती ही मिलती है, ये तो मैंने देख लिया। इसको राजगीर का आटे की राजगीरा सीरा ऐसा कुछ तो बोलते हैं इसको, ऐसा डिफिकल्ट नाम है ना। 4:30 बजने आ गया, अभी लाला को उठाना है, उनको भोग लगाऊंगी फिर हम निकलेंगे, नहीं तो फिर हम लेट हो जाएंगे। मुझको ले लो किशोरी जी शरण, श्री राधिके श्री राधिके, इतनी खुशी होती है ना जब मुझे बोलता है वृंदावन धाम आओ
राधा रानी को मानना पड़े, जितनी बार बोलो ना उतनी बार बुला लेती, बहुत प्यार करती माशा। मैं ये कर्ज कैसे उतारूंगा, मैं तो वो सोच सोच के पर मैं ये कर्ज कैसे उतारूंगी, ये सोच सोच के मैं भक्ति और बढ़ा देती हूँ, क्योंकि कर्ज तो भक्ति से ही उतार पाएंगे, और तो कोई हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वेश्वरी है, सारे चीज़ों की मलकाइन है वो, उनको हम क्या दे सकते हैं, उनको सिर्फ भक्ति ही दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में आपको लगे ना कि श्री जी की बहुत कृपा है आप पे, या प्रभु श्री कृष्ण की बहुत कृपा है आप पे, तो वो कृपा पात्र बन के एकदम सो के पसर नहीं जाना है, है ना, उस कर्ज को उतारना भी, और उस कर्ज को जितना ज़्यादा हो सके नाम जाप से, या भगवद गीता पढ़ के, या सेवा करके, श्री जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, माता पिता की सेवा। देखिए जब तक आप ये सब अपने जीवन में नहीं लाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक और चीज़ जो कहते हैं कि उन्हें श्री जी वृंदावन धाम क्यों नहीं बुलाती हैं, तो मन उदास करने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी परीक्षा होती है इसलिए आपको नहीं बुलाती है। मेरे साथ भी बहुत हुआ है ये सब, मेरे पास तो क्या बताऊँ, ऐसे पैसे की लालच दे दी, इतना पैसा देंगे हम आपको, आप आ जाइए, हमारे पास काम है, हमें शूटिंग करना है, मैंने छोड़ दिया। अगर कोई और होता तो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा प्रेम था, उनकी कृपा थी, वो भी चाहते थे कि मैं आऊँ, और मैं भी चाहती थी कि मैं उनके पास पहले जाऊँ फिर बाकी सारी चीज़ें। तो अगर नहीं बुला रहे हैं तो और जोरों शोरों से भक्ति करो। जैसे बोलते ना, अगर बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो और मेहनत करता है कि मैं और मेहनत करूँगा तो और अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे, तो उसी प्रकार है। अगर नहीं बुला पा रहे, नहीं बुला रही हैं तो कोई बात नहीं, मन दुखी मत करें, और ज़्यादा भक्ति करें, और ज़्यादा नाम जाप करें, और ज़्यादा सेवा करें। ऐसे किसी के टीचर को बच्चे इंप्रेस करने के लिए नहीं, टीचर को मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, अच्छा बिहेवियर रखते हैं, टीचर मेरी तारीफ करेगी तो मेरा अच्छा नाम होगा। तो अच्छा नाम तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम श्री जी की नज़र में बने रहें उसके लिए तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी ना। श्री जी को बोलो, आप नहीं बुलाओगे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और भक्ति करूँगी, इतनी ज़्यादा भक्ति करूँगी तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप मुझे बुला लोगी, इस चीज़ का मुझे यकीन है, क्योंकि वो करुणामयी सरकार है, तो वो बहुत जल्दी करुणा बरसाती हैं सबके ऊपर। तो मन दुखी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बस इस तरीके से आप सारी चीज़ें अपने ठाकुर जी के लिए रखें, और कहीं भी जाएं ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न रखें। मेरे और मेरे प्यारे सलाना की तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे।